ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि नंगे पैर मंदिर जाने से क्या होता है। कहीं आप भी तो नहीं गए हैं एक बार नंगे पैर मंदिर? तो एक बार पांचों पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ किया। तब अश्वमेघ यज्ञ में बहुत चकित कर देने वाली बात होती थी। पहले तो वहां पर एक घंटा लगाया जाता था और जैसे ही यज्ञ में पूर्ण आहुति पड़ती थी, घंटा अपने आप बज जाता था। लेकिन जब युधिष्ठिर ने यज्ञ पूरा करवाया तो वहाँ पर घंटा अपने आप नहीं बजा। तब युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से पूछा कि आपने यज्ञ करवाया लेकिन घंटा अपने आप नहीं बजा। तब सब ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण ने कहा कि मुझे लगता है कि यज्ञ दो प्रकार के होते हैं। एक यज्ञ जिसमें अग्नि में शाकलें दी जाती है तो अग्नि देवता प्रसन्न होते हैं, और दूसरा यज्ञ वो जिसमें भंडारा किया जाए और लोगों को भोजन दिया जाए तो वो यज्ञ भी प्रबल होता है। तो हमें लगता है कि युधिष्ठिर महाराज यहाँ दोनों यज्ञ हुए हैं, एक यज्ञ आहुतियों का, एक यज्ञ भंडारे का। लेकिन मुझे लगता है कि भंडारे में कोई भूखा रह गया है। तब पांडवों ने पता लगाया कि एक कुटिया में एक संत बैठे थे जो भोजन नहीं किए थे। तब युधिष्ठिर ने पूछा उन संत से कि आपने भोजन क्यों नहीं किया? तो उन संत ने कहा कि मैं उसके घर में भोजन करता हूँ जो मुझे 108 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य दे देता है। तब पांडवों ने सोचा कि मैंने अपनी जिंदगी में पहला अश्वमेघ यज्ञ किया है, इन्हें 108 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य कैसे दे सकते हैं, और वो निराश घर लौट गए। तब द्रौपदी ने उनसे पूछा कि वो संत क्यों नहीं आया। तब उन्होंने सारी बात बताई। फिर द्रौपदी बिना रथ के नंगे पैर ही उन संत के पास जा पहुंची और बोली, बाबा चलो मेरे यहाँ यज्ञ हुआ है और भंडारे का भोजन कर लूं। तब उन संत ने कहा जो मुझे 108 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य दे देगा उसके यहाँ मैं भोजन कर लूंगा। तब द्रौपदी ने कहा, लो बाबा संकल्प छोड़ती हूँ और 108 अश्वमेघ यज्ञ का फल आपको दे देती हूँ। तब उन संत ने कहा कि आज ही तुम्हारे पति ने जीवन में पहला अश्वमेघ यज्ञ किया है और तू मुझे 108 अश्वमेघ यज्ञ का फल कैसे दे देगी? तब द्रौपदी ने कहा, बाबा मैंने सुना है मेरे कृष्ण के मुख से, जब कोई व्यक्ति अपने घर से निकलकर किसी संत के दरवाजे पर, किसी कथा के पंडाल में, अपने घर से निकलकर किसी मंदिर पर, किसी तीर्थ में पैदल पैदल नंगे पैर जाता है तो वो जितने कदम चल के जाता है उतने अश्वमेघ यज्ञ वो अपने जीवन में कर लेता है। और फिर द्रौपदी ने कहा, मैं आपके दरवाजे पर नंगे पैर 108,000 कदम चलकर आई हूँ तो इसमें से 108 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मैं आपको दे देती हूँ। इतना सुनते ही संत उठकर खड़े हो गए और द्रौपदी के यहाँ भोजन कर लिया। और फिर जैसे ही उन संत ने भोजन किया, अश्वमेघ यज्ञ का घंटा अपने आप बज गया। इतनी बड़ी महिमा होती है नंगे पैर मंदिर जाने की।